टाइप्स ऑफ वेक्टर। देखो वेक्टर के कई टाइप्स हैं, तो टाइप ऑफ वेक्टर के अंदर पहला टाइप ऑफ वेक्टर है इक्वल वेक्टर्स। पहले टाइप का वेक्टर है इक्वल वेक्टर्स। देखो सपोज करो आपके पास दो वेक्टर्स हैं, एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, दो वेक्टर्स हैं। आप कहोगे ये ए वेक्टर बी वेक्टर क्या होते हैं भाई? वेक्टर तो क्वांटिटीज होती हैं, फोर्स एक वेक्टर है, वेलोसिटी एक वेक्टर है। तो एक चीज समझ लें कि चाहे वेलोसिटी वेक्टर है, चाहे फोर्स वेक्टर है, चाहे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, चाहे एक्सेलरेशन वेक्टर है, ऐसे तो 3600 वेक्टर होंगे। अब मैं किस किस का नाम लूँ? तो मैंने इन जनरल क्या लिख दिया, ए वेक्टर बी वेक्टर। ए वेक्टर बी वेक्टर फोर्स भी हो सकते हैं, वेलोसिटी भी हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, रूल सबके लिए सेम रहेगा। तो मैंने इन जनरल नाम क्या दे दिया, ए वेक्टर बी वेक्टर। तो ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है? 10। मैग्नीट्यूड क्या है? 10। और डायरेक्शन कहाँ है? अलोंग एक्स एक्सिस। तो ए वेक्टर की वैल्यू आ गई। एक और वेक्टर है बी वेक्टर, इसकी वैल्यू भी सपोज कितनी है? 10। ये मैं आपको दे रहा हूँ 10। और डायरेक्शन कहाँ पर है? अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये दोनों वेक्टर्स ए वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल वेक्टर माने जाएंगे। तो दो वेक्टर इक्वल तब माने जाते हैं जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है और दोनों की डायरेक्शन भी सेम होती है। अगर मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन डिफरेंट है, या डायरेक्शन सेम है मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, तो इक्वल वेक्टर नहीं माने जाएंगे। तो दो वेक्टर इक्वल तब है इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? जैसे एक कार जा रही है 50 मीटर पर सेकेंड अलोंग नॉर्थ, तो ये V1 वेक्टर है, वैल्यू एंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों दे रहा हूं। एक और कार जा रही है V2 वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड फिर से 50 मीटर पर सेकेंड है और डायरेक्शन अलोंग नॉर्थ है। अब V1 वेक्टर V2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो V1 वेक्टर एंड V2 वेक्टर आर इक्वल वेक्टर्स। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो ये इक्वल वेक्टर्स कहलाए जाएंगे। तो इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, समझ में आ रहा है यहां तक? नेक्स्ट है नेगेटिव वेक्टर। वेक्टर के आगे अगर नेगेटिव लग गया, उसी टाइम उसकी डायरेक्शन उल्टी कर देनी है। तो अगर वेक्टर इधर जा रहा है, माइनस वेक्टर है, तो इधर हो जाएगा। सिंपल, कैसे? अगर आपके पास कोई ए वेक्टर है जो राइट की तरफ है और मैंने इसका नेगेटिव वेक्टर लिखना है, नेगेटिव वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? माइनस ए वेक्टर। तो मैं सिंपली इस एरो की डायरेक्शन राइट की बजाय क्या कर दूंगा? लेफ्ट। तो नेगेटिव वेक्टर का मतलब डायरेक्शन बिल्कुल क्या कर देनी है? रिवर्स कर देनी है। तो जैसे मान लो एक कार जा रही है वी वेक्टर, जिसकी वैल्यू कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, ये वैल्यू है। मेरे को क्या लिखना है? माइनस वी वेक्टर। माइनस वी वेक्टर में मैं कार जो राइट जा रही थी उसको उठा के कहां कर दूंगा? लेफ्ट। मैं डायरेक्शन चेंज कर दूंगा, तो जो इधर जा रही है वो इधर हो जाएगी। आपको कि सर वैल्यू वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, पहले भी 10 मीटर पर सेकेंड, अब भी 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन डायरेक्शन पॉजिटिव की जगह क्या हो जाएगी? नेगेटिव। तो जब भी वेक्टर नेगेटिव होगा, उसका असर सिर्फ उसकी डायरेक्शन पे होगा, मैग्नीट्यूड पे नहीं होगा। ये कॉमन मिस्टेक है। जब मैं माइनस वी वेक्टर लेने को बोलूंगा तो लोग बोलेंगे मैग्नीट्यूड इज -10। वेक्टर में, सुन लो, वेक्टर में मैग्नीट्यूड कभी भी माइनस होता ही नहीं। जैसे एरर कभी भी माइनस होते ही नहीं, हो रहे हैं तो तुम्हारा क्वेश्चन ही गलत है। ऐसी मैग्नीट्यूड में अगर तुमने मैग्नीट्यूड -20 बोल दिया, समझ लेना आगे क्वेश्चन मत करना, पक्का गलत करोगे। मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव ही होगा। क्लियर है? तो फिर माइनस साइन क्या शो करेगा वेक्टर में? डायरेक्शंस। तो अगर ए वेक्टर इधर है तो माइनस ए वेक्टर इधर है। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है? आपका मन भी करे कि मैग्नीट्यूड -10 कर दूं, मत सुनना, मेरी बात सुन लेना, उसको +10 ही करके आना, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ठीक, तो ये स्टेप क्लियर है यहां तक? तो नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, समझ में आ रहा है? उल्टा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन उल्टी हो जाती है। नेक्स्ट है को इनिशियल वेक्टर। इमेजिन करो आपके पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स को आपने कई फोर्सेस से खींचा। मान लो एक रस्सी ली किसी ने, 10 न्यूटन की फोर्स यहां लगा दी, और 20 न्यूटन की दूसरे स्टूडेंट ने यहां लगा दी, तीसरे ने 40 की यहां लगा दी। अब तीनों वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दी फोर्सेस। फोर्सेस आर वेक्टर क्वांटिटीज, और वेक्टर सारे के सारे स्टार्ट कहां से हो रहे हैं? एक कॉमन पॉइंट में, जहां पर लग रही हैं ये फोर्सेस। तो अगर बहुत सारे वेक्टर्स हों, वैल्यू उनकी बराबर हो ना हो, डायरेक्शन उनकी जहां मर्जी जाए, कोई
कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट अगर सेम है वेक्टर का तो इसका मतलब कौन से वेक्टर है, को इनिशियल वेक्टर्स है। तो पॉइंट क्लियर है यहां तक, तो ये को इनिशियल वेक्टर्स है, स्टार्टिंग पॉइंट जिनका सेम है। नेक्स्ट वेक्टर है को टर्मिनस वेक्टर। सपोज करो एक स्टूडेंट ने यहाँ बॉक्स रखा या कोई पॉइंट रखा, एक स्टूडेंट ने फोर्स यहाँ लगाई, दूसरे ने भी यहीं लगाई, तीसरे ने भी यहीं लगाई, पहले वो खींच रहे थे अब वो उल्टी फोर्स लगा रहे हैं। कहाँ लगा रहे हैं? एक कॉमन पॉइंट पे लगा रहे हैं सारी फोर्स एक ही पॉइंट पे। तो ये सारे वेक्टर चाहे वैल्यू कुछ भी हो, डायरेक्शन कुछ भी हो, एक पॉइंट पर एंड हो रहे हैं वेक्टर, इनको बोलते हैं को टर्मिनस वेक्टर। को इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, को टर्मिनस एंडिंग पॉइंट सेम है, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट है को लीनियर वेक्टर्स। को लीनियर वेक्टर का मतलब अगर दो वेक्टर्स की डायरेक्शन के बीच में एंगल जीरो या 180 है तो वो को इनिशियल वेक्टर्स हैं, जैसे को लीनियर वेक्टर्स है, सॉरी को लीनियर वेक्टर्स हैं। फिर मान लो एक वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन इधर है, कोई भी फोर्स इधर लग रही है, दूसरा एक और वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन भी इधर है, वैल्यू कोई चक्कर नहीं, डायरेक्शन सेम है, दो डायरेक्शन सेम है तो एंगल उनके बीच में क्या रहेगा? जीरो। बोथ वेक्टर्स आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन में अगर दो वेक्टर्स हैं तो एंगल क्या रहेगा उनके बीच में? जीरो। तो ये कोलीनियर वेक्टर्स है। अच्छा उल्टा, आप मान लो एक स्टूडेंट है, उसने मेरे को खींचा इधर और इधर से खींचा इधर, देखो दो फोर्सेज लग रही हैं, एक इधर एक इधर, मैं जहां मर्जी जाऊं चाहे इक्वल या अनइक्वल फोर्सेस, डायरेक्शन ऑपोजिट है दो फोर्सेस की, तो एंगल दो वेक्टर के बीच में कितना है? 180। तो ये दो वेक्टर्स भी क्या कहलाए जाएंगे? कोलीनियर वेक्टर्स। तो कोलीनियर वेक्टर क्या वेक्टर्स हैं कि जिनके बीच में एंगल या जीरो या 180 हो। जैसे ए वेक्टर और नेगेटिव ए वेक्टर, नेगेटिव ए वेक्टर का मतलब रिवर्स डायरेक्शन, ए वेक्टर और माइनस ए वेक्टर में एंगल क्या होता है? हमेशा 180, क्योंकि ए वेक्टर इधर तो माइनस ए वेक्टर इधर होगा, तो एंगल क्या होगा? 180। तो ए वेक्टर एंड माइनस ए वेक्टर आर कोलीनियर वेक्टर्स। जैसे ए वेक्टर बी वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन, ए वेक्टर बी वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन, जिसको आप क्या बोल सकते हो? लाइक या पैरेलल वेक्टर्स, ये भी कोलीनियर वेक्टर्स हैं क्योंकि ए और बी में एंगल क्या है? जीरो। उसी तरीके से ए वेक्टर बी वेक्टर ऑपोजिट है, इनके बीच में एंगल क्या है? 180, एंटी पैरेलल है, तो ये कोलीनियर वेक्टर्स हैं। कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक। पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है इसको डिस्कस करते हैं। आप अगर ये सोचेंगे कि सर वो तो लिखवाया ही नहीं है, हमें तो लिखना था, डेफिनेशन लिखनी थी, फिर हम डायग्राम ड्रॉ करते लाल नीले पेनों के साथ, लेक्चर निकल जाता अब तक, और कितने नंबर का आता? मुझे लगता है एक भी नंबर का नहीं आया अभी तक, कुछ नहीं आएगा, बस नाम पता होने चाहिए, चैप्टर स्टार्ट होने में भी टाइम है। तो मैं अपना टाइम यहाँ पर नहीं ख़राब कर सकता, डेफिनेशन लिखा लिखा के अपना टाइम बिल्कुल ख़राब नहीं करूँगा। अगर आएगा तो ऑब्जेक्टिव एक नंबर में आएगा, जैसे नेगेटिव वेक्टर पूछ लेगा, जैसे एंगल पूछ लेगा 0 180, तो इतना तो आपको समझ में आ रहा है। तो असली चीज़ क्या है वो हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, लिख के करेंगे वो सारा प्रैक्टिस। तो अभी इसके बेसिक्स हैं, क्योंकि बहुत टाइप के वेक्टर्स हैं तो बहुत सुनना पड़ता है शुरू में। इसमें कई लोग सोच रहे थे कि ये वेक्टर, इसको कहते थे लोग इंटरेस्टिंग है, ये कहाँ से इंटरेस्टिंग हुआ? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आज के लेक्चर को छोड़ दो, आप आने वाले टाइम में देखो, आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये चैप्टर का जो एलजेब्रा जो बनेगा, एलजेब्रा करना है हमने इसमें, एलजेब्रा सभी को पसंद है, मैथ्स में एलजेब्रा ठीक लगता है, इसका भी एलजेब्रा के रूल्स हैं, अच्छे रूल्स हैं, तो आपको इसमें मजा आएगा करके, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। लेकिन इसकी जो स्टार्टिंग की थ्योरी है थोड़ी बल्की थ्योरी है, सुनना ज़्यादा पड़ता है, ठीक, नया चैप्टर है ना इसलिए। पोजीशन वेक्टर, देखो पोजीशन वेक्टर ना ये टर्म बहुत यूज होती है। सपोज करो मेरे को, मैंने एक स्टूडेंट से पूछा कि तू कहाँ पर है, वो कहता है जी मैं पी पॉइंट पे खड़ा हूँ। अच्छा, मैंने कहा ठीक है, पी पॉइंट है, लोकेशन बता मुझे क्या है एग्जैक्ट। तो अगर लोकेशन की बात करते हैं तो उसने ओरिजिन बना दिया एक्स एंड वाई, उसने कहा जी रेफरेंस पॉइंट तो मैं ओरिजिन लूँगा, तो ओरिजिन को रेफरेंस लेके उसने मेरे को पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दिए एक्स कॉमा वाई, उसने मेरे को कोऑर्डिनेट बता दिए एक्स कॉमा वाई, मैं एक्स कॉमा वाई पे खड़ा हूँ, मैं वहाँ जाके मैं वहाँ पे उस लोकेशन को ट्रैक कर सकता हूँ, है ना। मैथ्स में मैथ्स के लोग तो ऐसे ही करते हैं, मैथ्स के टीचर कहते हैं जी इस लोकेशन, इस पी पॉइंट की लोकेशन एक्स कॉमा वाई है, बात खत्म हो गई। फिजिक्स के लोग नहीं करते, वो एक्स कॉमा वाई तो करते ही करते हैं, वो एक नई चीज़ करते हैं, वो कहते हैं देख तू एक काम कर, तेरे को पी पॉइंट पे जाना है ना,
तो एक काम करियो, तू ओरिजिन से चलना स्टार्ट कर दियो बिल्कुल स्ट्रेट, मुड़ियो मत, सीधा 15 मीटर चलियो, इधर 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 नहीं चलना, 30 डिग्री पे चलियो। तो 30 डिग्री पे 15 मीटर दूर तेरे को पी पॉइंट की लोकेशन पता लग जाएगी। देखो बताने का तरीका चेंज हो गया, पहले एक्स कोमा वाई बता दिया, मैथ्स कहता है कि एक्स लो वाई लो खत्म, फिजिक्स कहती है ना ना ऐसे नहीं, आप सीधा चलो एट एन एंगल ऑफ थीटा, यहां से डायरेक्ट यहां पहुंचो। तो अगर इस डिस्प्लेसमेंट को, मैं डिस्प्लेसमेंट बोलूंगा डिस्टेंस नहीं बोल सकता, टेढ़ा मेढ़ा नहीं है ये, बिल्कुल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है पहुंचने का, तो डिस्प्लेसमेंट है। तो ये जो वेक्टर है जो कहां से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, और पी पॉइंट की लोकेशन को ट्रैक करके दे रहा है या पी पॉइंट की पोजीशन को बता रहा है, इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। तो यहां पर ओपी वेक्टर इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है पोजीशन वेक्टर की स्टार्टिंग हमेशा कहां से होती है, फ्रॉम ओरिजिन। तुम अपनी मर्जी से पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर नहीं सकते कभी भी, कोई भी वेक्टर की अगर पोजीशन वेक्टर या पोजीशन वेक्टर किसी भी पॉइंट का बनाना है तो स्टार्ट कहां से करना है, ओरिजिन से, और उस पॉइंट को जोड़ देना है तो वो पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। क्लियर है यहां तक? जैसे मेरे एग्जांपल में ओपी वेक्टर पोजीशन वेक्टर है, कोई कहता है इसकी वैल्यू लिख के दिखाओ, तो देखो इसका मैग्नीट्यूड कितना है 15 मीटर, और डायरेक्शन के लिए एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्स है। तो ओपी वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। कोई डाउट इसमें? अब नेक्स्ट जो वेक्टर है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं उसे। देखो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है कि सपोज करो आप पी पॉइंट पे खड़े थे, आप ओपन ही थे, आप पी पॉइंट पे खड़े थे, कब, जब टाइम की वैल्यू इसमें टी थी, थोड़ी देर के बाद आपने चलना शुरू कर दिया स्ट्रेट, और अब कहां पे पहुंच गए, क्यू पे पहुंच गए जहां टाइम टी डैश था। तो आप कहां से कहां पहुंच गए, पी से क्यू पे पहुंच गए। अब मैंने आपसे पूछा आप शुरू में कहां पे थे, आपने कहा जी पी पॉइंट पे थे। मैंने कहा पी पॉइंट की लोकेशन कौन बताएगा मुझे, दुनिया में पी पॉइंट कहां है? तो कहते हैं ये काम करो ओरिजिन से इस वेक्टर को ड्रॉ कर दो। तो ये वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, और क्यू पॉइंट पे पहुंचते ही मेरा पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, ओ क्यू वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट क्यू। पोजीशन वेक्टर कहां से स्टार्ट होंगे, हमेशा फ्रॉम ओरिजिन। तो कोई कहने लगा तो क्या आप सर ओरिजिन से यहां पे आए थे? ना ना, मैं आया नहीं यहां से, ये तो एक इमेजिनरी वेक्टर्स है। मैं कहां से कहां गया, मैं पी से क्यू पे गया। तो अगर मैं पी से क्यू पे गया तो ये एक वेक्टर ड्रॉ करता हूं डिस्प्लेसमेंट का। तो एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, ये वेक्टर हुई, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो मैं पी से क्यू पे गया, पर पी और क्यू की लोकेशंस बताने के लिए मेरे को यूज करना पड़ा पोजीशन वेक्टर। लेकिन मेरी डिस्प्लेसमेंट पी से क्यू पे हुई तो ये कौन सा वेक्टर हुआ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्लियर है यहां तक? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहीं से भी ड्रॉ किया जा सकता है, इनिशियल और फाइनल को ज्वाइन करना है, लेकिन पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन से ही बनेगा, ये इंपॉर्टेंट रूल है। कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक? तो कोई कहता है सर इसको यूज कैसे करें, चैप्टर खुलने दो, इसको एक एक करके यूज करेंगे। तो फिर कहता है ये मतलब ये क्या, ये तो बता रहा हूं कि देख ये नेगेटिव वेक्टर है, देख ये पोजीशन है, देख ये डिस्प्लेसमेंट है, यूज करना नहीं सिखा रहा। तो आप अगर ये कहे कि सर यूज भी करना है, ना यूज करना कुछ नहीं है, सिर्फ नाम बता रहा हूं ये वेक्टर का मतलब क्या है बस। असली चैप्टर जब चलेगा तो ये यूज करने भी अपने आप ही आते रहेंगे। ठीक है? मतलब कई बार स्टूडेंट सोचता है घर जाके वेक्टर समझ में नहीं आया क्योंकि वेक्टर के अंदर पता ही नहीं लग रहा है ये क्या हो रहा है। इसमें कुछ है ही नहीं, मैंने कुछ बताया ही नहीं अभी, बस मैंने आपको फोटो दिखाई है, देख ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, देख ये पोजीशन है, बस और कुछ नहीं बताया। मतलब अगर आज के बाद अगर आपको ये ऐसे वेक्टर दिखे तो आप बोल सकते हो इनका नाम पोजीशन वेक्टर्स है। कोई ऐसा वेक्टर दिखे आप बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ए वेक्टर के उल्टा माइनस ए वेक्टर दिखे बोल सकते हो नेगेटिव वेक्टर है। ए वेक्टर बी वेक्टर ए जैसे दिखे तो इक्वल वेक्टर है। तो ये टर्म्स यूज करने वाले हैं इस चैप्टर में, जब ये चैप्टर खुलेगा, अभी खुला नहीं है। ठीक? पोलर वेक्टर्स। देखो जब पोलर वेक्टर्स हैं उसमें लिखा हुआ है वेक्टर्स विच हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आर कॉल्ड पोलर वेक्टर्स। अब ये क्या चक्कर है, स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट तो होता ही है, क्यों नहीं होता? जैसे एग्जांपल है, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, इसका मतलब क्या है,
एक जर्नलाइज सी टर्म है, बहुत स्पेसिफिक वेक्टर नहीं है ये कोई भी। तो पोलर वेक्टर में ये मेंशन किया गया है कि द वेक्टर्स विच हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट, जिनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो एक पोलर वेक्टर है। जैसे कि वेलोसिटी, एक्सीलेशन, फोर्स, जैसे मान लो एक बॉक्स रखा, किसी स्टूडेंट ने एक वेक्टर ड्रॉ किया और दिखाया कि यहाँ पर फोर्स लग रही है एफ वेक्टर। तो देखो उस फोर्स का स्टार्टिंग पॉइंट वो बॉडी है, उस बॉडी से फोर्स लग रही है, ये एक पोलर वेक्टर्स है। लेकिन कुछ वेक्टर्स ऐसे हैं जिनका ना स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, ठीक, जिनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। जैसे सपोज करो टॉर्क वेक्टर। अब टॉर्क वेक्टर अगर आप कहो सिर्फ दिखाओ मुझे टॉर्क वेक्टर, अभी आने वाला है, नहीं मैं दिखा नहीं सकता टॉर्क वेक्टर आपको, ये कैसा वेक्टर जो दिखता ही नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ वो उसकी प्रॉब्लम क्या है वेक्टर की, ठीक। उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं है, बस एक्सिस ही एक्सिस के ऊपर लाई करता है, तो कोई स्टार्टिंग नहीं है। पोजिशन वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट है, ओरिजिन से स्टार्ट होता है। फोर्स वेक्टर किसी बॉडी पे लगता है, बॉडी के ऊपर लगता है, तो एक स्टार्टिंग पॉइंट है। वेलोसिटी वेक्टर एक गाड़ी को रिप्रेजेंट करता है। एक्सेलेरेशन कोई वेक्टर गाड़ी को एक्सेलेरेशन रिप्रेजेंट करता है। ये सब पोलर वेक्टर्स हैं। लेकिन टॉर्क वेक्टर एक ऐसा एग्जांपल है जो कि पोलर नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें है क्या। तो इसके लिए एक और वेक्टर जिसको एक्सियल वेक्टर भी बोलते हैं, मतलब ये सेम ही लिंक्ड है। एक्सियल वेक्टर क्या चीज़ है? एक्सियल वेक्टर वो वेक्टर है जिनकी डायरेक्शन हमेशा एक्सिस के ऊपर रहती है। जब मैं स्टेटमेंट देता हूँ लोग सोचते हैं एक्सिस, अच्छा एक्स के ऊपर, वाई के ऊपर, ना ना वो एक्सिस नहीं। इमेजिन करो, आप दो एग्जांपल लेता हूँ, आप वो छोटे बच्चे खेलते हैं या ना, पंखा लगा होता है एक प्लास्टिक का, तो वो बच्चे ऐसे उड़ाते हैं, वो हेलीकॉप्टर सा उड़ता जाता है, ठीक है, सुन देखा हुआ है ना, वो डोरेमोन के ऊपर भी ऐसा होता है कुछ ऐसे, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, उसमें पंखे से लगे होते हैं, वो ऐसे घूमता है तो ऊपर ऊपर जा रहा है, ऐसे ही होता है। तो बहुत मिलते हैं आप देख लेना, बहुत ऊपर जाते हैं, बहुत हाइट अटेन करते हैं, जोर कैसे फेंकोगे तो उड़ता जाता है। अब हो क्या रहा है देखो, ये बॉडी पे आपने क्या लगाई? फोर्स लगाई ना, पर्टिकुलर डायरेक्शन। अगर आप कहोगे कि ऐसे फोर्स लगाओगे और ये बॉडी उड़ेगी, नहीं भाई ये नहीं उड़ेगी बॉडी, कैसे उड़ेगी बॉडी यार। तो फोर्स को कैसे लगाना है आपने? फोर्स को आपने डायरेक्शन, देखो ना ये स्टाइल है फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स चाहिए तो ये बॉडी घूमेगी। दुनिया में कोई भी बॉडी जब घूमेगी उसके पास टॉर्क आ जाता है। टॉर्क जनरेट करने के लिए आपको फोर्स लगानी पड़ती है। फोर्स लगाई इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, टेंजेंशियल, तो ये घूमा। जब ये घूमा तो उसमें टॉर्क जनरेट हो गया। और ये पंखा कैसे उड़ गया? ऊपर उड़ गया। तो किसी ने पूछा टॉर्क, टॉर्क कहाँ पर जनरेट हुआ, मतलब क्या है? टर्निंग इफेक्ट है, जितना तेज घूमेगा टॉर्क ज़्यादा है। तो किसी ने पूछा सर टॉर्क एक वेक्टर है? हाँ टॉर्क एक वेक्टर है। कहाँ बना के दिखाओ? नहीं बना के दिखा सकता, एक्सिस के ऊपर है। ये एक्सिस ही इसका टॉर्क वेक्टर है, ये डायरेक्शन है, ये इस पंखे का घूमने का एक्सिस है, इसके ऊपर लाई करेगा ये एक्सियल वेक्टर, जिसकी कोई फिक्स्ड डायरेक्शन ही नहीं है। अब जैसे किसी ने पंखा ऐसे किया, उल्टा घुमाया, ये घुमा दिया, तो पंखा ऊपर नहीं जाएगा, अब पंखा उसके हाथ पे आके लगेगा उल्टा। या मैं आपको एक और बेटर एग्जांपल देता हूँ, आप एक बहुत लंबी सी रॉड ले लें और रॉड में एक टायर फंसा लें, आप बहुत जोर की इस टायर को घुमाएं तो आपको, और फ्रिक्शन नहीं है मान लो, बहुत कम है, तो टायर खड़ा खड़ा घूमेगा? बिल्कुल नहीं घूमेगा। घूम घूम के वो इस रॉड के एंड में यहाँ पहुँच जाएगा। और अगर उल्टा घुमाओगे तो घूम घूम के वो यहाँ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप उसको इस तरीके से घुमा रहे हो क्लॉकवाइज, तो टॉर्क वेक्टर जनरेट हो गया, क्योंकि रोटेशन है इसमें, और टॉर्क वेक्टर कहाँ एग्जिस्ट करेगा? ऑन दी एक्सिस। तो जब आप इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो टॉर्क वेक्टर एक्सिस की तरफ होगा, जो इस टायर को घुमा घुमा के आगे ले जाएगा, जैसे हेलीकॉप्टर को ऊपर ले गया था ऐसे इस टायर को यहाँ ले जाएगा। तो ये जो वेक्टर्स हैं स्पेशली जो रोटेशनल मोशन में क्रिएट होते हैं, घूमने से जनरेट होते हैं, इन सबको क्या बोलते हैं? एक्सियल वेक्टर। टॉर्क घूमने का इफेक्ट है, एंगुलर वेलोसिटी घूमने का इफेक्ट है, घूम घूम के घूमने की वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। ये सब वेक्टर्स क्या कहलाते हैं? एक्सियल वेक्टर्स। यूज नहीं होते, कोई इतनी टेंशन की जरूरत नहीं है कि मतलब हमें पेपर में आएगा, हम लिखेंगे, हमें नहीं समझ में आया, आपको समझना ही नहीं है, आता ही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या आएगा, एक ऑब्जेक्टिव आ जाएगा कि एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ होती है, तो आप बोलना एक्सिस पे। वो पूछेगा बताओ क्या टॉर्क एक एक्सियल वेक्टर है? है। क्या एंगुलर वेलोसिटी एक्सियल वेक्टर है? है। क्या एंगुलर मोमेंटम एक्सियल वेक्टर है? है। लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ना तो आपको एंगुलर मोमेंटम आता है, ना आपको एंगुलर वेलोसिटी आती है, और ना ही आपको टॉर्क आता है। तो इसलिए आप अगर ये कहें कि मेरे को समझाओ,
तो इसके लिए एक चैप्टर करना पड़ेगा रोटेशनल मोशन, उसमें ये सारी चीज़ें डिटेल में आएंगी। तो मतलब इसको डीप में जाने की कोशिश ना करें, बस इतना ही सफिशियंट है, एग्जाम्पल ऑफ एक्सियल वेक्टर और डायरेक्शन एक्सिस के ऊपर होती है बस, और कुछ नहीं करना, क्योंकि डिटेल में तो पूरा साल पड़ा है वेक्टर को समझने का। जैसे ये जो वेक्टर वर्ड आ रहा है, ये किसी अंग्रेज ने रखा होगा ऑब्वियसली, यार यहाँ से तो क्या ही बना होगा वेक्टर। तो ये वेक्टर जो वर्ड उसने बनाया वो कैरियर वर्ड से बनाया, वो एरो इधर से इधर कैरी करके लेके जा रहे हैं, इधर से इधर जा रहा है, तो ये वर्ड कैरियर का दूसरा नाम वेक्टर है, तो वेक्टर नाम वहाँ से आया, पेपर में नहीं आता, प्लीज़ सिर्फ नॉलेज के लिए। नेक्स्ट है, कुछ क्वांटिटीज ऐसी भी हैं जिनकी डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड भी है पर वेक्टर नहीं है। आपको ये कैसे हो सकता है, ये तो कमाल हो गई, मैग्नीट्यूड है डायरेक्शन वो भी है, लेकिन एक से ज़्यादा डायरेक्शंस हैं। जैसे स्ट्रेस, स्ट्रेस अब सपोज एक पिलर के ऊपर स्ट्रेस लग रहा है, कहाँ लग रहा है, पूरे पिलर पे लग रहा है, इधर भी 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 लग रहा है, हर तरफ स्ट्रेस लग रहा है। चलो पानी की बात करते हैं, पानी में क्या लगता है, प्रेशर लगता है। अब पानी का प्रेशर, हम प्रेशर चैप्टर करेंगे, वो ना मल्टी डायरेक्शनल है। अगर इस रूम को पानी से भर दें तो प्रेशर उधर भी लगेगा, इधर भी लगेगा, उधर भी, इधर भी, और डिफरेंट वैल्यूज के साथ लगता है। कहीं पॉइंट पर प्रेशर ज़्यादा लगता है, कहीं पर कम लगता है। अब देखो प्रेशर का एक पॉइंट पर मल्टी डायरेक्शन है, प्रेशर हर तरफ लग रहा है, तो इसीलिए ये वेक्टर नहीं है। स्ट्रेस मल्टी डायरेक्शनल है, मतलब कई डायरेक्शन है स्ट्रेस की एक पॉइंट पे, तो इसलिए वेक्टर नहीं है। वेक्टर की सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन होती है और एक ही मैग्नीट्यूड होता है। तो लेकिन इसके अंदर क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव नो स्पेसिफाइड डायरेक्शन, एक डायरेक्शन तो है ही नहीं, एंड हैव डिफरेंट वैल्यूज इन डिफरेंट डायरेक्शन, ऊपर से वैल्यू भी डिफरेंट है, डायरेक्शंस भी मल्टीपल है, वैल्यूज भी मल्टीपल है, तो ऐसी क्वांटिटीज को क्या बोलते हैं, टेंसर। जैसे स्ट्रेस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टेंसर वेक्टर्स नहीं होते, क्योंकि वेक्टर का तो एक ही डायरेक्शन और एक ही मैग्नीट्यूड होता है। पर कुछ क्वांटिटीज ऐसी हो गई ना, ना तो पूरी स्केलर रही ना पूरी वेक्टर हुई, ये कुछ अलग ही डायमेंशन में चली, इनका नाम है टेंसर वेक्टर बोलते हैं। नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, आ जाए ना आए मुझे पता नहीं, पेपर में आएगा नहीं आएगा, बट पॉइंट समझ में आ रहा है। स्केलर में करते हैं, वैसे इलेक्ट्रिसिटी में करंट की मल्टीपल डायरेक्शन होती हैं, वो इतनी होती हैं वो स्प्लिट ही हो जाता है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड है वो, तो वो वेक्टर तो बिल्कुल भी नहीं है, वो है ही नहीं, मतलब टेंसर भी नहीं है। नेक्स्ट है फिक्स्ड वेक्टर। फिक्स्ड वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड, जैसे पोजीशन वेक्टर, जो मर्जी हो जाए पोजीशन वेक्टर हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा, फ्रॉम ओरिजिन, बात ही खत्म, तो फिक्स्ड वेक्टर है। और एक वेक्टर है फ्री वेक्टर, फ्री वेक्टर में कुछ है ही नहीं, जैसे कार मूव कर रही है, कार ड्रॉ किया, वी वेक्टर ड्रॉ किया, कार इधर है तो इधर ड्रॉ कर दिया, उधर है तो उधर ड्रॉ कर दिया, इधर है तो इधर ड्रॉ कर दिया, फिक्स पॉइंट है ही नहीं, जैसे मर्जी, वो एक फ्री वेक्टर है। नॉर्मली हम फ्री वेक्टर के साथ काम करते हैं एक्सेप्ट पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर फिक्स्ड वेक्टर्स हैं, ठीक। जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर, ये क्या हो, ये कौन सा वेक्टर हुआ, कोई मुझसे पूछता सर जीरो वेक्टर की मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या होगी, मैंने कहा जीरो, मैंने कहा जीरो कुछ नहीं, मैग्नीट्यूड कोई वैल्यू ही नहीं, तो भी डायरेक्शन क्या होगी जीरो की, मैंने कहा पता नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं को नल बोलते हैं। अब ये क्या चक्कर है, ये कौन सी डायरेक्शन होती है, कुछ भी नहीं, और कुछ भी मैग्नीट्यूड नहीं, कुछ भी डायरेक्शन नहीं, और ऐसे वेक्टर को जिसका कुछ नहीं जीरो है वो नल वेक्टर है। हाँ वही तो बात है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कहाँ से होगी, पर जरूरत क्या है इतना कॉम्प्लेक्स करने की, जरूरत क्या, कहो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती, बात ही क्यों कर रहे हैं इसकी जब है ही नहीं तो बात क्यों कर रहे हैं। अब एक स्टूडेंट घर जाके, उसको बड़ा मजा आया होगा, तब कमाल है यार आज वेक्टर सीखा, उसने कहा सर ने मुझे सिखाया वेक्टर एलजेब्रा, तो घर वालों ने कहा वो क्या होता है, वो कहता देखो ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर, तो उन्होंने पूछा ठीक है इसका मतलब क्या है, उसने कहा देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि ए और बी का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है और डायरेक्शन भी इक्वल है। हाँ उन्होंने कहा सही है, एक काम कर मैथ्स तेरे को आता है, बी वेक्टर को लेफ्ट पे ले जा, ले गया, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या लिखे जीरो, तो फिर वो पूछेंगे भाई तू वेक्टर एलजेब्रा कर रहा है, दो वेक्टर को माइनस करके तेरा आंसर स्केलर कैसे आता है, पहले ये बता, वेक्टर को वेक्टर में ऐड करके नया वेक्टर ही बनेगा, वेक्टर को वेक्टर सब्ट्रैक्ट करके वेक्टर ही बनेगा,
तो अगर मैं अकेला जीरो लिख देता हूँ तो ये चैलेंज करोगे आप, सर जीरो कैसे हुआ, वेक्टर नहीं है। तो इसलिए फिजिक्स वालों को नल वेक्टर निकालना पड़ा। तो उन्होंने कहा ये जीरो नहीं है, उन्होंने कहा ये नल वेक्टर है, रिस्पेक्ट नल वेक्टर है। हाँ वो मन में स्टूडेंट उसको जीरो लिखता है, मुझे भी पता है, मैं भी जीरो लिखूंगा, पर लेकिन रूल कहता है वेक्टर वेक्टर विल गिव वेक्टर, तो जीरो वेक्टर बोल देना चाहे उसका मतलब कुछ भी ना हो। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो कैलकुलेशंस को जस्टिफाई करने के लिए बनाया गया।